ही रात में 5 से 7 की जगह वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया। उन्होंने अपनी पूछताछ में ये भी बताया है कि भाई एक ही रात में हम 5-5, 6-6 आधा दर्जन वारदातें एक ही रात में ये लोग अंजाम दे देते थे। सुनसान स्थानों पर राहगीरों से मोबाइल लूटने वाला गिरोह का पर्दाफाश, लूटे हुए मोबाइल के खरीदार सहित 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। आईपीएस ऋचा तोमर के सुपरविजन में लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए राम सिंह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तो जगपुर पश्चिम के सुपरविजन में आलोक सैनी सहायक पुलिस आयुक्त तो वैशाली नगर जय सिंह बसेरा थाना अधिकारी पुलिस थाना करणी विहार जयपुर ने राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों सहित एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल लूटते थे और लूटे गए मोबाइलों को औने पौने दामों में बेच देते थे। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अलग अलग कंपनियों के 13 मोबाइल जब्त किए गए। दोनों आरोपियों ने राधाकृष्ण मैरिज गार्डन के पास परिवादी का मोबाइल लूट लिया था। इसके बाद पुलिस टीम ने इनका पीछा किया तो आरोपी 200 फीट हाईवे पर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुलजिमों ने पूछताछ में बताया कि उसका साथी शाहनवाज 200 फीट बाईपास पर अंधेरे कोने पर खड़ा है, जिस पर पुलिस टीम को देखकर वह भागा, जिसे पीछा करके उसके आधार पर लूटे गए मोबाइल के खरीदार विजय वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के सरगना सलमान के विरुद्ध हत्या लूट आदि के 8 प्रकरण दर्ज है। पूछताछ में आरोपियों ने मुगल, मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, वैशाली नगर आदि स्थानों से 3 दर्जन से ज्यादा वारदातें करना कबूल किया है। संवाददाता ब्यूरो चीफ W. गोस्वामी। अभियान चल ही रहा है वेस्ट जिले के अंदर भी, उन NDPS एक्ट के अंदर काफ़ी कार्रवाई की गई है। उसके अलावा लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी एक मुहिम को छेड़ा जाएगा। हाँ, इन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि किसी भी वारदात को अंजाम देने के पहले रैकी करने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लेते थे। फिर ये जो माइकल इनका लीडर है इस पूरे ग्रुप का, इसके घर पे जाके पूजा अर्चना करना, वारदात, फिर वारदात होने के बाद भी ये पूरा माल मुकदमा लेके वहीं पर जाते थे और कपड़े चेंज करके फिर पूजा करते थे। तो काफ़ी रिलीजियस तरह के चोर हैं, और सिर्फ उसको बहुत ही छोटे कम मार्जिन में, क्योंकि ये सभी ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो उसी वजह से कम मार्जिन में विजय को बेचते हैं और विजय आगे उनको 5-7 हज़ार में आगे ग्राहकों को बेच देता है। निवास से कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है, विजय की निवास से कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है? अब तक की पूछताछ में नहीं आया है ऐसा कुछ। अभी इनको डिटेल में इंटरोगेट किया जाएगा, उस बिंदु पर भी अनुसंधान किया जाएगा। इनमें से एक आरोपी जेल से छूट के आया है, और वो जैसा कि इस पूरे जब हम लोगों ने इसमें टीम बनाई तो उसका एक मुख्य बिंदु ये भी रखा था कि जेल से जो अभी रिसेंटली छूट कर आए, क्योंकि घटनाओं में इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, एक ही रात में 5 से 7 की जगह वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया। उन्होंने अपनी पूछताछ में ये भी बताया है कि भाई एक ही रात में हम 5-5, 6-6 आधा दर्जन वारदातें एक ही रात में ये लोग अंजाम दे देते थे। इनमें से एक आरोपी पहले से ही करदनी थाना क्षेत्र के एक लूट की वारदात में वांछित था, उसको वो भी इसी गैंग का पार्ट है। अभी हम सब लोग इनको जितने भी ये मुकदमे हैं उनको इनको लेके आएंगे, क्योंकि ये पूरा एक गैंग बना के इन्होंने वारदात की है, तो 401 IPC की धारा इसमें ऐड की जाएगी। इसमें एक मुख्य जो इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि ये उस पूरे इलाके में रैकी करते थे, दिन के समय ये रैकी करते थे, और सुनसान मकान है कोई या कोई ऐसा मकान है जिसके बाहर लॉक लगा हुआ है, ऐसे मकानों को ये आइडेंटिफाई करते थे और कुछ न कुछ बहाना लेके पड़ोसी से पूछते थे कि मकान मालिक कब तक आएगा, कब तक गया हुआ है, और रात को फिर पुनः रैकी करते थे कि क्या मकान अभी भी लॉक्ड है, क्या मकान अभी भी खाली है, और उसके बाद रात को ये वहाँ पर वारदात को अंजाम देते थे। वेपन ये अपने पास में रखते थे कि अगर कोई भी आदमी इनसे टोका टाकी करता था तो उसको हथियार दिखाकर ये डराते थे। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे। इसमें एक बाइक भी सीज की गई है जो चोरी की बाइक है, जो इसको
ये वारदात करने में इसको इस्तेमाल करते थे। छोटी गलियों छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते थे जिससे सीसीटीवी फुटेज से भी बचा जाए, और अगर पुलिस की गश्त के दौरान वहाँ पर मूवमेंट है तो आँखों से ओझल होने के लिए भी इन्हीं छोटी गलियों का ये लोग सहारा लेते थे।